हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज तुम्हारा भाई 12 बजे रात को बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे। यस, सो मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग जा रहे हैं छोटी सी वीकेंड ट्रिप पे। आज फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे, तो वीकेंड की ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे बर्फ़ गिर रही हो। यस, हम बर्फ़ ढूंढने जा रहे हैं। इस बार स्नोफॉल देखना है। बर्फ तो बहुत सारी देख ली, लेकिन इस बार स्नोफॉल देखना है। ऑलराइट, सो मैं रेडी हूँ, सामान सब कुछ पैक हो चुका है। इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा बैग, दो बैग है और बाकी सब कुछ रेडी है, सारे बंदे रेडी हैं। तो अभी वो लोग, और इस बार मैं अपनी गाड़ी से नहीं, अभी मैं बंटी के साथ जा रहा हूँ। बंटी अपनी गाड़ी लेके जा रहा है i10, तो वो आ रहा है मुझे पिक करने और मैं रेडी हूँ। A few moments later. बाय लड्डू, बाय बाय। चलो डांस करके दिखा दो मामा को। सो गाइस, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, लड्डू को बाय बोलना। और अभी जैसे ही मैं निकलूंगा वैसे ही ये रोने लगेगा। ठीक है लड्डू, बाय। One hour later. और गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे और अभी अपनी गाड़ी कराएंगे फुल और उसके बाद हम होएंगे यहाँ से गुल। ऑलराइट, तो गाइज मिलते हैं भाई, अपना बंटी भाई और बाकी सारे भाई गाड़ी में बैठे हैं। ये भाई अपना मुकुल, हमारे भाई भाई, सब लोग घूमने चल रहे हैं, शिमला चलेंगे। और अभी हम लोग सारा सामान जो है सही से पैक कर रहे हैं ताकि अब कहीं रुकना ना पड़े। जो जरूरत का सामान है हमने निकाल लिया है और जो सामान जरूरत का नहीं है अब सीधा ये खुलेगा शिमला। सो गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग काफ़ी हिमाचल में एंटर कर चुके हैं और अभी थोड़ा चाय पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ। मैं साथ में बंटी भाई अपना और बाकी के बंदे सारे गाड़ी में, और ठंड जो है गलत लेवल की लग रही है यहाँ पे, मैं तो पूरा कांप रहा हूँ यहाँ पे। और अभी चाय का वेट कर रहे हैं, चाय आने वाली है। और ये बाहर का दिखाता हूँ आपको यहाँ से, और ये ढाबा है पहाड़ों की है। सो हमारी चाह आ गई है। अभी एक भाई के मुंह से मैंने कहते हुए सुना चाह, जो कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, पहाड़ी भाषा ही है। सो हमारी चाह आ चुकी है। और मैं दिखाता हूँ अभी, ये हो रहा है सनराइज और ये वो नज़ारा है जो मेरे को बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि सनराइज मैं सिर्फ ट्रिप पे होता हूँ जब ही देख पाता हूँ, क्योंकि हम हैं दोपहर में उठने वाले। आजा भाई बंटे। एक ब्लॉगर हमारे साथ और है सामने, एक दूसरे की फोटो बताते हुए। ब्लॉग से ब्लॉग का टक्कर, आजा से ब्लॉग का टक्कर हो रहा है। देखिए आजा आजा, फिर भी 5 व्यूज आने, ऐसा बोला जा रहा है। आज मैं 6 लाके दिखाऊंगा, 5 तो इस पे आएंगे।
अभी जो है हम लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो अभी धूप जो है दिख रहा है बहुत ही अच्छा, आपको भी दिख रहा होगा फेस पे। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ रुक के धूप सेकने वाले हैं ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी आए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम लोग काफ़ी नियर बाई पहुँच चुके हैं, यहाँ से लाइक 30-35 किलोमीटर है शिमला, तो पहले शिमला जाएंगे उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, क्योंकि हम निकले हैं बर्फ़ की खोज में, स्नोफॉल की खोज में। जब तक स्नोफॉल नहीं मिलेगा तब तक वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। क्यों भाई, सही बोल रहा भाई? जो भी बोल रहा बहुत ही बेकार बोल रहा भाई। स्नोफॉल मिले ना मिले, मंडे को कोर्ट की केस डेट है, जाना पड़ेगा भाई। सो गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला, और अभी जो है हमने आज का जो स्टे है तो हम शिमला में ही करने वाले हैं। तो एक गेस्ट हाउस है जो हमने बुक किया हुआ है, पूरा अपार्टमेंट है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी ये खड़ी, सामान सारे निकालने हैं और उसके बाद जा रहे हैं हम गेस्ट हाउस, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूरा जो रूम का टूर है वो कराता हूँ। ऑलराइट, तो चलते हैं फटाफट से, आ जाओ भाई। और ये रहा हमारा जो आज का गेस्ट हाउस है, अपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारी बुकिंग है आज की, तो आज हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। और ये यहाँ से व्यू है ऊपर 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 इन द एयर। ऊपर है और व्यू तो यहाँ से बहुत ही सही है, बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई। पक्का ऊपर ही है ना? वो मुकुल कहाँ गया? मुकुल और ऊपर या इसी वाले में? ऑलराइट, सो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और ये है रूम, रूम नहीं लिविंग रूम है, और इधर डाइनिंग, ये टीवी, और ये रहा किचन जहाँ आज हम खूब बनाएंगे और खूब खाएंगे। क्यों भाई ब्रो? बिल्कुल भाई, बेस्ट है मतलब ये चीज तो। और रूम दिखाता हूँ मैं आपको, रूम भी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। लाइट जलियो भाई, जला दे सारी, जला दे बस। ऑलराइट, सो ये अलमारी है, यहाँ पे बेसिन दे रखा है, और ये बाथरूम है इधर, एंड और ये यहाँ से बाहर का व्यू है। सो भाई ओवरऑल बहुत सही है, मतलब ठीक है ना, दो रूम। हाँ, दिल से निकल रहा है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ। सो गाइस, अभी जो है हमारी हालत बिल्कुल खराब है, हम बिल्कुल पंचर हो चुके हैं सारे के सारे, और इस टाइम अभी हम जस्ट 12 बज चुके हैं, अभी जा रहे हैं फ्रेश वगैरह होंगे और उसके बाद निकलेंगे एक्सप्लोर करने शिमला या फिर कुफरी या फिर कहीं भी। ऑलराइट, तो अभी फटाफट से हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने, रूम का सारा आपको मैंने दिखा दिया, एक रूम सेम ही है सब। ऑलराइट, तो हमें जो ये पूरा लाइक रूम है, अभी सीजन चल रहा है, तो हमें 2000 रुपये का पड़ा है ये पूरा अपार्टमेंट, जिसमें हम 5 लोग हैं और 2 बेडरूम है, बाथरूम अटैच, किचन है, और ये काफ़ी स्पेशियस लिविंग रूम है, पीछे देख सकते हो आप, सोफे लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, सो सारी सुविधाएं हैं यहाँ, और ये बहुत ही सही है, होटल से ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको व्यू, जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ का, और वहाँ से व्यू क्या है, और ये है छत, ये है छत भाई, गलत
गलत बातचीत। और आप सबको छोड़ो, पहले व्यू देखो। सो ये है यहाँ से व्यू, कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और अगर यहाँ की सारी डिटेल चाहिए तो उसके लिए आपको ढेर सारी कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा कूपन, जिससे आप काफ़ी सस्ते में यहाँ पे स्टे कर सकते हो, जैसे कि हमने किया है। और ये जो मेन शिमला है वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, सो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग सारे फ्रेश होके बिल्कुल रेडी हैं, और ये है आज का लुक। और हम लोग, मैं भाई कैमरा वाली भाई, तीनों जा रहे हैं रील्स बनाने, और बहुत ही अच्छा रील्स बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग। सुना हुआ आपने कचा बादाम गाने ऐसे आता, ठीक है। सो अभी हम रेडी हैं, जा रहे हैं रील बनाने, रील देखना बिल्कुल मत भूलना। और मैं दिखाता हूँ अपने भाइयों का लुक। ये बंटी भाई अपना बोल ऊपर से नीचे तक टिकटॉकर, और ये अपना क्लास भाई हमेशा अजय देवगन की पोज में, और ये है यहाँ से व्यू। और व्यू तो ऐसा है कि बस कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी 2:30 बज चुके हैं और हम लोग सोच रहे हैं यही एंजॉय करें, रील सुनाएं और मजे करें। ऑलराइट, तो फटाफट आ जाओ बनाते भाई। कुछ करना भाई, फनी वनी कर, कुछ व्लॉग यार, लोगों का एंटरटेनमेंट कर। तू अपने का कर ले, क्या तेरी जनता को तेरे पास मोड़ दूंगा मैं। भाई साहब क्या डांस किया यार तूने, तू कोरियोग्राफर है अल्लू अर्जुन का।